जी तो दोस्तों, गाड़ियाँ जो हैं आप लोग देख सकते हैं, आज की वीडियो में भी जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो है ये निसान का डब्बा मौजूद है, प्रिंस पर्ल है, मेहरान है, कोरे है, उधर 2000 मॉडल कल्टस है, ठीक है। और यहाँ पे होंडा एन बॉक्स है, निसान मोको है, टोयोटा बेल्टा है, होंडा सिविक है, निसान डेज है, और हमारे पास उधर आगे ये GLI भी मौजूद है आज की वीडियो में। तो आई होप दोस्तों कि आज का व्यू आप लोगों को लाजमी पसंद आएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन के निशान को भी आल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद जो गाड़ी की वीडियोज़ हैं ये आप लोगों को मिलती रहें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हमारे पास ये टोयोटा GLI मौजूद है, 2014 की ये गाड़ी है, मॉडल है, 15 का इसको नंबर लगा हुआ है, लाहौर रजिस्टर्ड ये गाड़ी है। और कंडीशन इसकी आप जो है देख सकते हैं वीडियो में, इसमें जो है एक साइड की टचिंग है, बाकी ये सारी गाड़ी जेन्युइन हालत में मौजूद है, ठीक है। ये वाली जो है इसकी साइड ये थोड़ी सी टचिंग है, बाकी अंदर से अगर मैं गाड़ी दिखाऊं तो रूम वगैरह इसका बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ है, स्क्रीन लगी हुई है, सीट्स वगैरह इसकी बिल्कुल साफ़ हालत में सीट्स हैं। डोर की बात करें तो डोर की कंडीशन भी इसकी बिल्कुल ठीक है। ये इसका बैक रूम आप लोग देख सकते हैं, बैक रूम की जो कंडीशन है ये भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, इसका बैक रूम भी, सीट्स इसकी कहीं से फटी हुई नहीं है, रफ हालत में नहीं है। ये इसका पीछे वाला डोर देख सकते हैं, और ये आप गाड़ी की जो कंडीशन है बैक साइड से ये भी देख सकते हैं, बैक कैमरा वगैरह, बैक कैमरा इसमें लगा हुआ है GLI का। और ये जिसकी राइट साइड है इस साइड से भी आप लोग इस गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आपको निसान, होंडा एंड वैगन, बेल्टा, ये सारी गाड़ियाँ आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। तो गाड़ी जो वीडियो है ये लंबी होने वाली है, तो एंड तक लाजमी देखिएगा। इसकी जो डिमांड है दोस्तों ये 24.25 लाख रुपया कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि गाड़ियों का रेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो उस लिहाज से जो इसकी डिमांड कर रहे हैं शोरूम वाले ये कर रहे हैं जी 24.25 लाख रुपया। बाकी इसमें कमी पेशी हो जाएगी, कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो वीडियो की स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है शोरूम का, आप लोग कॉल कर सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो गाड़ी है ये होंडा एन बॉक्स है, 2015 का मॉडल है, 2018 की रजिस्टर्ड है गाड़ी, इंपोर्ट है और रजिस्टर्ड है, ये लाहौर का नंबर इसको लगा हुआ है, रेड वाइन जो है कलर है इस गाड़ी का, और कंडीशन जो है इसकी ऑलमोस्ट टोटल जेन्युइन बताई जा रही है। और ये जो गाड़ियाँ मौजूद हैं दोस्तों ये स्टाइल मोटर पर मौजूद हैं, स्टाइल मोटर जो है गुजरांवाला में, जब आप पिंडी बाईपास से राह वाले की तरफ जाते हैं तो आपके उसी हाथ जो है स्टाइल मोटर आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं विज़िट के लिए, आप लोग आके तो देख सकते हैं गाड़ियाँ, विज़िट भी कर सकते हैं। बाकी साइडों पर डोर्स की बात करें तो डोर्स के ऊपर माइनर स्क्रैचेस मौजूद हैं, बाकी गाड़ी चूँकि जेन्युइन है तो उस लिहाज से कंडीशन इसकी बिल्कुल ठीक है। बाकी ये इसका डैशबोर्ड आप देखें, डैशबोर्ड इसका बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त हालत में है, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है, और एयरबैग्स वगैरह मौजूद हैं, क्रूज़ की ऑप्शन जो है इसमें मौजूद है, स्क्रीन वगैरह लगी हुई है, सीट्स वगैरह इसकी बिल्कुल साफ़ है, पीछे वाली जो सीट्स हैं इसके ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में है। और इस गाड़ी की जो डिमांड है ना, ये बताने से पहले मैं इसकी जो बैक साइड है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसकी बैक साइड है जी, ठीक है, एन बॉक्स की आप बैक साइड आप इसकी देख सकते हैं, और इसकी जो डिमांड है ये 21 लाख रुपया की जा रही है, 21 लाख रुपया डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी हल्की फुल्की। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो आप लोग स्टाइल मोटर पर कॉल कर सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जी निसान मोको, 8/12 और 12 का ये मॉडल है, निसान मोको, लाहौर नंबर की ये गाड़ी है, जापानीज़ गाड़ी है जी, इसमें माइनर टचिंग मौजूद है इस गाड़ी में भी, बाकी कंडीशन इसकी आप ऑल ओवर वीडियो में देख के एक आइडिया लगा सकते हैं। बम्पर जो इसके यहाँ से थोड़ा सा ये हल्का सा स्क्रैच है, बाकी इसका बम्पर बिल्कुल साफ़ हालत में है, बोनेट इसका बिल्कुल डेंटलेस है, टायर अगर देखें तो टायरों में जो है इसके अलॉयरी मौजूद हैं और टायरों की कंडीशन भी इसकी ठीक है काफ़ी हालत तक। और ये जो है होंडा एन वैगन, इसके भी टायरों के जो रिम है ये भी बड़े प्यारे हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं जी जो साइडों पर डोर्स की कंडीशन है, और इसके अंदर से जो गाड़ी का रूम है ये भी आप देख लें, रूम वगैरह इसका माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हालत में है, और ये इसकी गियर ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक सीट्स वगैरह इसकी बिल्कुल साफ़ हालत में सीट्स हैं इस गाड़ी की। और यहाँ से जो है हेड से थोड़ा सा रफ है, लेकिन ये इतना कोई मेजर इशू नहीं है। बाकी अगर मैं आपको इसकी बैक साइड से कंडीशन दिखाऊँ तो ये आप बैक साइड से देख सकते हैं, इसकी जो कंडीशन है डिक्की वगैरह की ये बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो फाइनल डिमांड है ना, ये मैं आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी की डिमांड 13.25 लाख रुपये की जा रही है स्टाइल मोटर्स पर। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है मोको ख़रीदने में, निसान मोको की ये गाड़ी, तो आप लोग जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। नेक्स्ट जो गाड़ी है ये हमारे पास बेल्टा है, 11 मॉडल है,
14 की ये इंपोर्ट है, 15 की ये रजिस्टर्ड है गाड़ी। इसमें जो है माइनर टचिंग इसमें भी मौजूद है। बाकी गाड़ी की जो कंडीशन है ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, धूप जो है ये निकल आई है, बादल बने हुए थे। और बाकी ये जो गाड़ी है ये लाहौर नंबर इसको जो है लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं लाहौर नंबर की ये गाड़ी है। कंडीशन इसकी आउटलुक बिल्कुल ठीक हालत में गाड़ी है। बोनेट इसका बिल्कुल डेंटलेस स्क्रैचलेस बोनेट इसका, और जो बम्पर है इसका ये भी बिल्कुल साफ़ हालत में है, कहीं से कोई स्क्रैच नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। बोनेट भी इसका बिल्कुल साफ़ है। फेंडर्स की बात करें तो ये जो इसका लेफ़्ट फेंडर है बिल्कुल साफ़ हालत में है। टायरों की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कप भी लगे हुए हैं, अलॉय रिम नहीं है, ठीक है। ये इसके डोर्स की कंडीशन है, लेफ़्ट साइड वाले डोर्स भी बिल्कुल स्क्रैचलेस हैं इस गाड़ी के। और आ जाए जैसे बैक साइड पे, तो बैक साइड से भी गाड़ी अगर देखें तो बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ है। बैक बम्पर पे एक भी स्क्रैच नहीं है, डिक्की पर भी एक भी स्क्रैच नहीं है, ठीक है। आ जाए जी इसकी जो है राइट साइड, तो राइट साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनर सा कोई एक आध स्क्रैच है। बाकी अंदर से इसका रूम देखें तो रूम की जो कंडीशन है, डोर इसका बिल्कुल ओके है। ये इसकी गेयर ट्रांसमिशन है जी, जो कि ऑटोमेटिक है बेल्टा की। और डैशबोर्ड इसका बिल्कुल साफ़ हालत में है। सीट्स वगैरह भी इसकी बिल्कुल ओके हालत में है। पीछे वाली सीट भी हर चीज़ इसकी बिल्कुल ठीक है जी। इंजन मैकेनिकली 16 आने हैं ये गाड़ी, और इसकी जो डिमांड है ये स्टाइल मोटर पर की जा रही है, इसकी डिमांड 21 लाख रुपया। कमी पेशी हो जाएगी, कोई दोस्त गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है तो आप लोग स्टाइल मोटर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी होंडा सिविक है, वाइट कलर में बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। 2021 का ये मॉडल है, इस्लामाबाद की ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, देख सकते हैं जी ये इस्लामाबाद की ये रजिस्टर्ड है गाड़ी। फ्रंट जो है इसका बिल्कुल स्क्रैचलेस है जी, बम्पर भी इसका बिल्कुल स्क्रैचलेस है, बोनेट भी इसका बिल्कुल डेंटलेस है। 21 मॉडल है, और अलॉय रिम आप देख सकते हैं, टायरों की कंडीशन आप देख सकते हैं वीडियो में। और जो साइडें हैं इसकी, मैं 360 राउंड करवा देता हूँ, साइडें जो हैं इसकी बिल्कुल साफ़ हैं डोर्स के ऊपर। बैक फेंडर जो है, बम्पर जो है इसका, ये बिल्कुल स्क्रैचलेस है। बैक कैमरा वगैरह ओके है जी, और हर लिहाज से जो गाड़ी है मुझे बिल्कुल स्क्रैचलेस नज़र आ रही है, ठीक है। और ये इसके राइट साइड वाले डोर हैं, ये भी इसके बिल्कुल स्क्रैचलेस हैं, कोई भी स्क्रैच आपको नहीं मिलेगा। और ये जो गाड़ी है दोस्तों, इसका डैशबोर्ड आप देखें, माशाल्लाह आपको पता है कि सिविक एक ब्रांड है पाकिस्तान में, और पुश स्टार्ट की ऑप्शन है। और ये जो गाड़ी है तकरीबन 25,000 समथिंग ये चली हुई है, 25,000 के आसपास। और बाकी ऑल ओवर आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट बिल्कुल न्यू जैसी गाड़ी है ये। और इसकी जो डिमांड है ना, ये की जा रही है स्टाइल मोटर पर 58 लाख रुपीज़, इसकी डिमांड की जा रही है। पंजाबी आखिए तो 58 लाख रुपया, बस 58 लाख रुपया इसकी जो है ना डिमांड कर रहे हैं। बाकी गाड़ी उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो वीडियो की स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, रबता कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे निसान जो है ये भी मौजूद है, उसके बाद डब्बे भी हैं, फिर छोटी गाड़ियाँ भी हैं मौजूद, कोरे मेहरान और डाउन मॉडल में 2000 मॉडल कल्टस भी मौजूद है, और एक प्रिंस पर्ल भी मौजूद है जो कि बड़ी मुनासिब कीमत में अच्छी गाड़ी है। और ये भी आपको दिखाएंगे, फिर एक तो ब्लैक कलर में भी गाड़ी मौजूद है, ये भी निसान डेज है, इसका भी रिव्यू करवाते हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक लाजमी देखिएगा। 2020/22 का ये मॉडल है दोस्तों, कंडीशन इसकी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, स्क्रैचलेस गाड़ी है, और एक पीस की इसमें जस्ट टचिंग बताई जा रही है। बाकी ये गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है, अप्लाइड फार है, और बिल्कुल स्क्रैचलेस जो है ये इसके डोर्स मौजूद हैं। और बैक साइड से भी अगर मैं इसकी कंडीशन दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, बिल्कुल साफ़ हालत में ये गाड़ी है। बैक बम्पर पे 4 सेंसर जो हैं ये मौजूद हैं, बैक कैमरा वगैरह इसमें इंस्टॉल्ड है। और अगर मैं कंडीशन दिखाऊं इसके अंदर से, तो माशाल्लाह आप रूम देखें, इसका रूम इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ऑटोमेटिक गेयर ट्रांसमिशन है, मल्टीमीडिया के ऑप्शंस मौजूद हैं, बिल्कुल न्यू सीट्स इसमें मौजूद हैं, और डोर की कंडीशन भी बिल्कुल साफ़ है। और ये इसका बैक रूम है, पीछे वाली सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, बड़ी खुली डुली सीट्स हैं ये इसमें मौजूद हैं। और ये इसका रूफ वगैरह अंदर से देख सकते हैं, और जो बैक डोर है इसका ये भी बिल्कुल ठीक हालत में है। अभी जो दोस्तों इसकी मैं डिमांड आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी की जो डिमांड है ये क्या की जा रही है। 27,75,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है जी, 20/22 मॉडल है, और बड़ी ही शानदार गाड़ी है। अगर कोई भाई लेना चाहता है तो आप लोग वीडियो की स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है आप लोग रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट निसान डेज जो है ये ब्लैक कलर में है, 14/17 का मॉडल है, टचिंग वगैरह इसमें मौजूद है गाड़ी में, और इस्लामाबाद की ये रजिस्टर्ड है गाड़ी, ठीक है। और अलॉय रिम जो है ये इसमें मौजूद हैं,
ठीक है। टायर वगैरह की कंडीशन भी इसकी बिल्कुल ठीक है, गाड़ी वॉशेबल है, डस्ट वगैरह लगी हुई है, चिकड़ वगैरह पड़ा हुआ है। बाकी बैक साइड से भी आप इस गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं। ये निसान हाईवे स्टार है जी, और इसका भी मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी का डैशबोर्ड, इसमें भी ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है, और सीट्स वगैरह भी इसकी बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद है। धूप बहुत ज़्यादा दोस्तों, और ये देख सकते हैं इसका डोर, हाथ मेरे जल गए हैं, गर्म हुई हुई है गाड़ी। तो ये इसका जो बैक रूम है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी पीछे वाली सीट्स हैं दोस्तों, धूप की वजह से शायद रिज़ल्ट अच्छा ना आ रहा हो, लेकिन गाड़ी जो है ये बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो डिमांड है दोस्तों ये 17 लाख रुपया की जा रही है। अगर कोई भाई लेना चाहता है तो आप वीडियो की स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। आ जाए जब आपको छोटी गाड़ियाँ भी दिखाते हैं, सस्ती गाड़ियाँ, और काफ़ी लोग कहते हैं कि आज भाई आप थोड़ी छोटी गाड़ियाँ भी दिखाएँ। आ जाए जी मेहरान, कोरे और प्रिंस पर्ल और डब्बे जो हैं ये भी अब आपको दिखाते हैं। मित्सुबिशी मिनी कैब का ये डब्बा मौजूद है, और बिल्कुल जेन्युइन हालत में इसकी कंडीशन है जी। और टायरों में जो हैं अलॉय रिम, कप व्हील कुछ भी नहीं है, टायरों की कंडीशन आप लोगों के सामने है। और ये इसका बैक टायर है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और ये इसकी साइडों पे जो डोर्स की कंडीशन है ये भी आप लोग देख लें। अंदर से भी मैं दिखा देता हूँ, कम पैसों में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। ऑटोमेटिक है ये, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है। ये इसकी रूम की कंडीशन है अंदर से, ठीक हो गया। तो इसकी डिमांड जो है 9,75,000 इसकी डिमांड की जा रही है, 9,75,000 रुपया। इस्लामाबाद के रजिस्टर्ड है, सेफ गार्ड वगैरह लगे हुए हैं, और कंडीशन इसकी आलमोस्ट आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास निसान की गाड़ी, ठीक है। निसान का ये डब्बा मौजूद है, निसान का ये डब्बा 10/15 मॉडल है, और इस लाहौर की ये रजिस्टर्ड है, टोटल जेन्युइन की इसकी आवाज़ है, और 9,00,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है। अगर कोई दोस्त को भाई इंटरेस्टेड है ये गाड़ी लेने में तो आप लोग जो है स्टाइल मोटर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसका रूम है, इनसाइड आप देख सकते हैं। इसमें जो गियर ट्रांसमिशन है ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। और ये इसकी सीट्स की जो कंडीशन है ये आप देख सकते हैं, रूम वगैरह जो है गाड़ी का ये भी आप सारा देख सकते हैं। बाकी 9,00,000 रुपये इसकी डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जी प्रिंस पर्ल है हमारे पास, 2020 का मॉडल है, इस्लामाबाद की ये रजिस्टर्ड है, बैक कैमरा वगैरह लगा हुआ है। गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, वाइट कलर है इसका, स्क्रैचलेस डोर्स हैं गाड़ी के। और इसके साथ अगर मैं अंदर से इसका रूम दिखाऊं तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो रूम है प्रिंस पर्ल का ये आपको देखने में मिल जाएगा। और ये इसकी गियर ट्रांसमिशन है जी, सीट्स वगैरह की कंडीशन इसमें आलमोस्ट बिल्कुल न्यू जैसी है, और 2020 का मॉडल है ये। और फ्रंट साइड से अगर मैं इसकी कंडीशन दिखाऊं तो गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में मिलेगी। इस्लामाबाद की ये रजिस्टर्ड है, टायरों में जो है इसके अलॉय रिम वगैरह जो है ये इसमें मौजूद है। और इसके साथ जो स्टाइल मोटर पर इसकी डिमांड की जा रही है ये की जा रही है 13,00,000 रुपये दोस्तों इस गाड़ी की डिमांड है। इसमें कमी पेशी हो जाएगी हल्की फुल्की। अगर कोई दोस्त को बाय इंटरेस्टेड है तो वीडियो की स्क्रीन पर स्टाइल मोटर्स का जो कांटेक्ट नंबर है ये मैंने दिया हुआ है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2018 मॉडल मेहरान है, VX है ये, और टोटल जेन्युइन की आवाज़ है इस गाड़ी की, लाहौर की ये रजिस्टर्ड है। और जो इसका बोनट है ये बिल्कुल डेंटलेस है, माइनर स्क्रैचेज आपको नज़र आएंगे क्योंकि गाड़ी टोटल जेन्युइन है, ठीक है। ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं जो ये डोर्स की, फेंडर्स की कंडीशन जो है ये बिल्कुल ठीक है। अंदर से इसका जो रूम है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप इसका रूम देख सकते हैं अंदर से गाड़ी का, और डोर्स की कंडीशन देख सकते हैं। और ये जो है गाड़ी की सीट्स भी इसकी बिल्कुल ठीक हालत में है। तो इस गाड़ी की जो डिमांड है दोस्तों ये स्टाइल मोटर वाले कर रहे हैं जी 10.5 लाख रुपया तकरीबन इसकी डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कोरे है, 10 मॉडल है, सियालकोट नंबर है, ऑटोमेटिक इसमें गियर ट्रांसमिशन है, माइनर टचिंग इसमें मौजूद है, अलॉय रिम वगैरह इसमें लगे हुए हैं, टायरों की कंडीशन भी इसकी बिल्कुल ठीक है काफ़ी हद तक। और जो आउटलुक है इसकी आप वीडियो में देख सकते हैं। साइडों पे डोर्स के ऊपर जो है कोई भी स्क्रैच वगैरह मौजूद नहीं है। ये इसका डैशबोर्ड आप देखें, मैनुअल जैसे कि ऑटोमेटिक जैसे कि मैंने बताया, गियर ट्रांसमिशन है, डैशबोर्ड इसका बिल्कुल साफ़ है। सीट्स वगैरह की जो कंडीशन है ये भी बिल्कुल ठीक है, सीट्स वगैरह इसकी बिल्कुल ओके हैं। ये इसका डोर की जो हालत है ये भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो में।
और जो इसका बोनट है फेंडर ये वाला बिल्कुल ठीक है, बोनट के ऊपर एक आप स्क्रैच होगा, बाकी बोनट इसका बिल्कुल ठीक है। ये इसकी लेफ़्ट साइड से भी आप लोग कंडीशन देख सकते हैं जी, और कंडीशन इसकी बिल्कुल ठीक है, गाड़ी बिल्कुल नीट लुक जो है वो आपको दे रही है। और इसकी जो डिमांड है 10.25 लाख रुपये की जा रही है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। अगर कोई बाय इंटरेस्टेड है तो आप लोग रابطہ कर सकते हैं, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। यहाँ पे पुराने मॉडल की एक 2000 मॉडल की कल्टस भी मौजूद है, जिसकी डिमांड 5.25 लाख रुपया की जा रही है। इंजन इसका जो है मैकेनिकली बिल्कुल ठीक मिलेगा आपको, बाकी आउटलुक इसकी आप लोग देख सकते हैं, बम्पर इसका यहाँ से लगा हुआ है, बाकी साइडों से ठीक है। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, बोनट इसका डेंटलेस है, स्क्रैचेज़ वगैरह पड़े हुए हैं बाकी, और डोर्स के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रैचेज़ वगैरह मौजूद हैं, क्योंकि पुराना मॉडल है उस लिहाज से आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। ये इसका डैशबोर्ड है अंदर से, और ये इसकी जो कंडीशन है ये आप देख सकते हैं, सीट्स वगैरह की कंडीशन ठीक हो गया। और ये इसका डोर है जी, बैक साइड से भी मैं दिखा देता हूँ, ये बैक साइड से इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं गाड़ी की। 5.25 लाख रुपये डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी, अगर कोई बाय इंटरेस्टेड है तो आप लोग रابطہ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आज का रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।